हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस पर। दोस्तों लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती आ चुकी है। 54,953 पोस्ट के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेरे पास एसएससी कांस्टेबल जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप कैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, और इसके लिए एज लिमिट क्या है, और इसकी एज लिमिट कब से कैलकुलेट होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एसएससी जीडी के रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का नोटिफिकेशन मेरे पास है। ये आज ही जो रोजगार समाचार पत्र आता है उसमें पब्लिश किया गया, यानी कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें आज ये पब्लिश किया गया। और दोस्तों कल यानी कि 20 तारीख को ये सरकारी रिजल्ट.com और एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पब्लिश हो जाएगा। तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर या इस लिमिट क्या रखी गई है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपनिंग 21 जुलाई 2018, यानी कि परसों से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट इसकी 20 अगस्त है। और यहां पर इसमें 8 पोस्ट निकली हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे कर्सर पर, सबसे पहले इसमें लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट इस बार सबसे पहले होने वाला है, और पीईटी, फिर इसका पीएसटी यानी कि फिजिकल टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। तो दोस्तों इस बार ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 8 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट के लिए 54,953 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं। चलते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। ये आप देख सकते हैं 18 से 23 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है, एज ऑन यानी कि कैलकुलेट होगी 1 अगस्त 2018 से, यानी कि आपने अपने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए हो 1 अगस्त 2018 से, या फिर आप यहां पर बेसिक सा समझ लीजिए, चाहे आपका जन्म हुआ हो 2 जून 1995 और 1 अगस्त 2000 के बीच में, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको एज के कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि अगर आप ST SC OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज लिमिट में। अगर आप ST SC से हो तो आपको 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और बाकी अगर आप एक्स सर्विस मैन हो या आप किसी हिल एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको ये इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसका पॉइंट नंबर 5, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें यहां पर आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास पास होना आपको केवल जरूरी है, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और एज ऑन 1 अगस्त 2018, यानी कि आपने 10वीं पास कर लियो 1 अगस्त 2018 से पहले। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसका एग्जाम सेंटर आपको कहां मिलेगा, काफी लोग ये पूछते हैं। या आप इसमें एग्जाम कोड दिए हैं, एग्जाम सेंटर दिए हैं, जो आप अपना एग्जाम सेंटर चुनेंगे, यानी कि सेंट्रल रीजन में, या आप बरेली, आगरा, दिल्ली, रांची, जो भी आप एग्जाम सेंटर चुनेंगे वो आप चुन सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको अपना एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अब थोड़ा नीचे चलते हैं तो इसके बात करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों ये इसका सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। इसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग आपको मिलेगा, मैथ मिलेगा, हिंदी और जीके। इसमें 25-25 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 टोटल क्वेश्चन है, और 100 नंबर का आपका पेपर है, 1.5 घंटे का आपका इसमें पेपर है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के, जो कि आपका रिटन एग्जाम के बाद होने वाला है। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए इसमें रनिंग रखी गई है, 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 1600 मीटर दौड़ लगानी होगी 8.5 मिनट में। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये आपको जानकारी दी हुई है, जब कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये था टोटल इसका जो मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है पब्लिश बाई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया, जो काफी लोग वेट कर रहे थे, आज उनका वेट खत्म हो गया। दोस्तों कल आप सरकार रिजल्ट्स पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैंने कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं बताया, ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ऑफिशियल नोटिस आया मैंने उसके रिगार्डिंग ये आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन अभी बच गया हो, यानी कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को 1 लाइक जरूर करना। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।